केलुधर की टीम विजय घोषित की गई है और अब जो मैच होगी आरआरटी मंझारी वर्सेस जूनियर बॉयज जामदा के बीच में पहला क्वार्टर फाइनल और इस तरह से मैच शुरू होता हुआ पानी पहुंच जाते हमारे वॉलंटियर और गोल लाइन से बाहर पूरा आठ नंबर मंझारी के खिलाड़ी लंबा सा पास दिया अपने साथी खिलाड़ी के लिए लेकिन पुनः एक बार जूनियर को जामदा के कब्जे में गेंद जामदा के खिलाड़ी जामदा के खिलाड़ी काफी बेहतरीन खेल का प्रदर्शन दिखाते हुए यहाँ पर पुनः एक बार शॉर्ट पास दिया और एक बार पुनः मंझारी के कब्जे में गए पुनः जामदा छीना जब्दी करते हुए जामदा के खिलाड़ी अपने साथी खिलाड़ी को पास दिया है छोटा सा पास के जरिए पुनः एक बार शॉर्ट पास के लंबा सा उछाल दिया गेंद को बीच और शानदार हेड के जरिए बॉल को क्लियर किया यहाँ पर मंझारी के खिलाड़ी ने और इस बीच पुनः एक बार जामदा के कब्जे में गेंद जामदा के खिलाड़ी अच्छा सा पास देना चाहते थे लेकिन ये गलत पास खतरा मंडरा चुका था इस जामदा के लिए लेकिन गोलकीपर और डिफेंडर काफी चतुर और एक गलत शॉट दिशाहीन शॉट मंझारी की ओर से अब एक अच्छा सा मौका मिला था मंझारी की टीम को अपनी टीम को एक शून्य की बढ़त दिलाने के लिए काफी अच्छा सा मौका मिला था इस बीच तीस रफ्तार से बॉल को लेकर आगे बढ़ते हुए जामदा के खिलाड़ी छकाने का प्रयास लेकिन डिफेंडर काफी मजबूत मंझारी के और इस बीच पूरा 10 नंबर को बॉल मिलता हुआ मंझारी के खिलाड़ी पूरा 8 नंबर के खिलाड़ी इस बीच साथी खिलाड़ी 6 नंबर के लिए बॉल रिलीज किए 6 नंबर के खिलाड़ी पूरा 8 नंबर के कब्जे में गेंद मंझारी के लेकिन एडवांस और एक बार पुनः एक बार जामदा के कब्जे में गेंद जूनियर बॉयज जामदा के खिलाड़ी और इस बीच हमारे कमेंटेटर विश्वनाथ जी हमारे बीच जुड़ते हुए इस मैच का मध्यांतर से पहले का ये मैच जहां पर आरआरटी मंझारी वर्सेस जूनियर बॉयज जामदा के बीच में एक घमासान मैच चलता हुआ दोनों टीमें 0-0 की बराबरी पर बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर विश्वजीत बेहरा जी दोनों के बीच में घमासान लड़ाई यहां चलती हुई यहां काउंटर अटैक करने की कोशिश लेकिन पंच करके किसी तरह से उस पंच मार के उसको बाहर का रास्ता दिखा दिए और यहाँ पर कॉर्नर किक लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ यहाँ पर गोल भी हो सकती थी लेकिन डांग से काफी ज्यादा ऊपर से जाती हुई गेंद पुनः यहाँ पर मौका मिलता हुआ मौका बना हुआ है आरआरटी मंझारी के लिए ये दूसरी प्रयास कॉर्नर किक का 6 नंबर का खिलाड़ी कॉर्नर किक लेने के लिए बिल्कुल तैयार करते क्या कुछ कर पाते हैं अब तक जहां तक इस मैच का बात कहा जाए तो आरआरटी मंझारी कहीं ना कहीं पारी पड़ता हुआ या नजर आता हुआ और यहां पर बढ़िया सा उछाल के साथ गेंद को फेंका गया था लेकिन
कुछ ना कर पाए। अरटी मंजारी के खिलाड़ी अभी भी बनी हुई है और यहाँ पर काउंटर अटैक की कोशिश से सीधे सीधे मैच में उछालने की कोशिश से देखते हैं क्या कुछ करते हैं। पुनः यहाँ पर क्रॉस, लेकिन क्रॉस का कोई फायदा नहीं। यहाँ पर उतने ही मुस्तैदी के साथ जूनियर बॉयज जमदा के डिफेंडर उसको किले के और यहाँ पर बढ़िया आएगा मुंह बनता हुआ जमदा के लिए। देखते हैं जमदा के खिलाड़ी क्या कुछ कर पाते हैं यहाँ पर, लेकिन रक्षा पंक्ति आरटी मंजारी की काफी मजबूत और यहाँ गोल लाइन से बाहर जाती हुई गेंद गोल की के लिए बिल्कुल तैयार। यहाँ पर गोलकीपर खुद आकर के यहाँ पर अपने साथी खिलाड़ी को थोड़ा सा पुश कर दिए थे सेंटर लाइन के आसपास। ये गेंद अभी भी मंजारी के पल्ले में गेंद है। देखते हैं क्रॉस तो यहाँ पर बढ़िया डाले हुए लेकिन कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं। डिफेंडर लेफ्ट के मुतेदी के साथ उसको क्लियर करने में सफल। यहाँ चिप के अंदाज में गेंद उड़ाई गई थी लेकिन पंच के माध्यम से बारंबार पंच के माध्यम से यहाँ पर गोलकीपर अपने टीम का बचाव करते हुए। पिंडो जितनी भी तारीफ की जाए कम है आरटी मंजारी के गोलकीपर सॉरी जामदा के गोलकीपर जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। बार बार पंच के जरिए वो अपने टीम को सेव कर रहे बचा रहे टीम को गोल खाने से बचा रहे जामदा के खिलाफ और चाहिए थे कि गेम खेलती हुई नजर आती हुई आरटी मंजारी की टीम काफी मजबूत नजर आती है। हालांकि जामदा की टीम भी काफी मजबूत नजर आती हुई रक्षा पंक्ति में काफी जहां तक बात की जाए गोलकीपर की शामदा की गोलकीपर की जहां तक बात की जाए काफी चौकर में पर कितने देरों तक गोलकीपर के सहारे पर रहेंगे शामदा की टीम। कुछ तो करना होगा अपने खिलाड़ियों के द्वारा लेकिन यहां पर शायद मेरी बात उनके कानों पर गूंजी और बॉल को पेनल्टी एरिया के आसपास खिलाते हुए अच्छा सा क्रॉस यहां पर आया था जामदा के द्वारा लेकिन आरटी मंजारी के गोलकीपर भी उतने चुस्ती फुर्ती के साथ कलेक्ट किया अपने दस्ताने में है जितने की जामदा के गोलकीपर। और इस बीच मिडफील्डर का काम करते हुए आठ नंबर की खिलाड़ी आरटी मंजारी के और अपने राइट बैक को यहां पास करते हुए पुनः मिडफील्डर के पास देखते हैं अच्छा मूव बना हुआ यहां पर आठ नंबर की खिलाड़ी क्या क्रॉस करेंगे और ये साइड लाइन से बाहर जाती है गेंद यहाँ कॉर्नर का मौका बन जारी को देखते हैं क्या कुछ कर पाते हैं इस कॉर्नर का कितना लाभ ले पाता है। दर्शक दर्शक दिल काम के बैठे हुए हैं यहाँ पर कोई आवाज नहीं तालियों की कोई गड़गड़ाहट नहीं उन्हें भी इंतजार है कि गोल की लेकिन दोनों टीम से अब तक कोई भी गोल दागी नहीं गई है। गोल दागने में असफल दोनों ही टीम के खिलाड़ी। इस बीच गोल की का मौका मिलता हुआ जामदा को गोलकीपर गोल आर्क में रखते हुए गेंद को इस खेल के बाद दूसरा क्वार्टर फाइनल जूनियर बॉयज वर्सेस जूनियर एफसी के अंदर दोनों टीमों के टीम कैप्टन आप अपने खिलाड़ियों को लेकर सर्किल पॉइंट में रखते हुए यहाँ पर और रेडी किक करते हुए यहाँ पर मंजारी के कब्जे में गेंद छह नंबर के खिलाड़ी इसको चिप के अंदाज में खेले लेकिन काफी चौकन्ने गोलकीपर अपने कौन सी टीम अपने टीम को दिलाने में सफलता हासिल करती है। जहाँ तक बात की जाए दोनों ही टीमें काफी मजबूत नजर आते हुए जामदा की टीम है सेकंड राउंड में जेम्स लिबर की टीम को 2-0 से करारी शिकस्त दी थी। और जहाँ तक बात की जाए आरटी मंजारी की टीम 2-0 की करारी शिकस्त देने के बाद क्वार्टर फाइनल में पहुंची थी। पुनः एक बार मंजारी के कब्जे में गेंद काफी चतुर खिलाड़ी नजर आते हुए पर जामदा के खिलाड़ी कड़े कार
हरीश खेल के बाद जो खेल होगी जूनियर एफसी केंदुझर वर्सेस जूनियर बॉय। कुछ नहीं बोला मैंने कम जाऊँ बहुत सोटम ना मैं ना ना बहुत सोटम ना मैं कम जाऊँ दवाइयाँ बहुत ज़्यादा इनमें बिना साबुन के अभी इस मैच का सीधा प्रसारण गौतम जी आज के मधुर वाणी से। और इस प्रकार दोनों टीमें 0-0 की बराबरी पर खेलते हुए बहुत ही सुंदर और ये फॉल अभी अच्छा बात किए बोला ये फॉल कर बैठे केंद्र के जूनियर बॉय के खिलाड़ी द्वारा मंजारी फॉल किक लेते हुए सेंटर लाइन के आगे फॉल किक लेने के लिए तैयार और बहुत सुंदर शॉट बहुत ही सुंदर शॉट है ये बाल बाल बच गए डिफेंडर द्वारा बहुत ही सुंदर बचाव और इस प्रकार ये खेल सेंटर लाइन के पार करता हुआ अभी मंजारी के पास बॉल मंजर के खिलाड़ी बॉल को लेकर आगे बढ़ने के क्रम में अपने साथी खिलाड़ी को पास दिया दो नंबर को दो नंबर ने आगे बढ़ा दिए अपने साथी दस नंबर को दस नंबर से बॉल छीना हुआ अब जमदा के पास बॉल जमदा के खिलाड़ी उसे बॉल छीनते हुए मंजर के खिलाड़ी बॉल को आगे बढ़ा दिए है नौ नंबर के खिलाड़ी लेकिन उसे बॉल छीनते हुए जमदा के खिलाड़ी और अपने साथी की तरफ में लेकिन ये गलत बात और साइड लाइन के पास आउटर आउटर के बाद खेल दोबारा शुरू होता हुआ और ये लंबा शॉट गेंद मध्य रेखा के बीचों बीच और इस प्रकार मंजारी के पाले में बॉल मंजर के खिलाड़ी बॉल को अपने साथी की तलाश में दस ने छह को पास दिया छह ने बॉल को आगे बढ़ते हुए सेंट्रल लाइन को पार करते हुए डी बॉक्स में अंदर घुसने का प्रयास और इसे बॉल छीनते हुए और ये कॉर्नर कॉर्नर किक का मौका मिलेगा मंजारी को। और इस खेल के बाद जो सेकंड क्वार्टर फाइनल होगी जूनियर बॉयज वर्सेस जूनियर एफसी केंदुझर कॉर्नर किक के बाद खेल दोबारा शुरू हुआ मंजारी मंजारी के पास बॉल बहुत सुंदर बाउंड्री गोल बहुत सुंदर नंबर प्लीज जर्सी नंबर इधर दिखा दीजिए जर्सी नंबर इधर दिखा दीजिए प्लीज जर्सी नंबर छह नंबर जर्सी बहुत सुंदर गोल आरसी के साथ मंजारी आरती मंजारी 1-0 से आगे दोबारा खेल शुरू होता हुआ सेंट्रल लाइन के बीचों बीच जामदा के पाले में बॉल जामदा के खिलाड़ी बॉल को लेकर ओढ़ते हुए लेकिन उसे बॉल छीनते हुए मंजर के खिलाड़ी बॉल को लेकर ओढ़ते मंजारी के पास बॉल मंजर के खिलाड़ी बॉल को लेकर आगे बढ़ते हुए नौ नंबर के पास बॉल नौ नंबर के खिलाड़ी बॉल को अपने साथी की तलाश में आठ नंबर को दिए आठ नंबर इधर उधर देखते हुए और ये बहुत सुंदर और बार बार में लगकर रिटर्न घूमता हुआ बॉल दस नंबर के पाले में बॉल मिला मंजर के पास बॉल अभी भी खतरा मंडरा हुआ है जमदा पर लेकिन उसे बॉल छीनने में सफल रहे जमदा के अब ये संभव फॉल अरे अभी कुछ हमें सुनाई नहीं दे रहा है रेफरी का निर्णय और ये फॉल 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 का संकेत रेफरी महोदय द्वारा मंजारी को मिला बहुत सुंदर मौका मिला अपना स्कोर 2-0 करने के लिए 1-0 से अभी भी आगे है मंजारी और इस प्रकार ये जाकू इस टूर्नामेंट में दो गोल कर चुके हैं बहुत सुंदर मौका मिला है मंजारी के लिए 1-0 से अपनी टीम को बढ़त बनाए हुए हैं
रेफरी की हुसिल लगी। और फॉल किक लेने के लिए तैयार मंजर के खिलाड़ी। और ये सोलो पास अपने खिलाड़ी को, लेकिन गलत पास, और इसका नतीजा बॉल साइड लाइन के पास। बैक किक करेंगे जामदा के खिलाड़ी सेंटर लाइन को पार करते हुए। अब जामदा के पास बॉल, जामदा के खिलाड़ी अपने साथी की तलाश में। बहुत सुंदर पास, एक विशेष सूचना खिलाड़ी भाइयों के लिए। द्विदिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता 2021 आयोजक K4DT कोटगढ़ बस स्टैंड खेल दिनांक 13-14 नवंबर 2021 नामांकन लेने के लिए 7 नवंबर से पूर्व संपर्क करें। हेलो और तो इस बीच एक शब्द की बढ़त ले चुकी है आर आपने बन जा रही और जूनियर बॉयज जामदा की टीम भी जो को होल्ड करती हुई 0-0 की एक एक की बराबरी पर लाने पर दिशा इंसान इन फेवर ऑफ जूनियर बॉयज जामदा। और इसके बाद जो खेल होगी जूनियर बॉयज